जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के काठी गांव में बिजली के खंभे पर चढ़कर मेंटेनेंस का काम कर रहा एक युवक खंभे से गिरकर घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया था। युवक के मरने की खबर सुनते ही परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान ठेकेदार के कर्मचारी के कपड़े तक फाड़ दिए। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने ठेकेदार को अपने कब्जे में लेकर परिजनों को समझाइश देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले को शांत कराया। सरजापुर के रहने वाले करण सिंह जाटव ने बताया कि 2 रोज पूर्व उसके भाई सुगर सिंह जाटव पुत्र कमरिया जाटव उम्र 35 को अपने गांव का रहने वाला राम सिंह अपने साथ मजदूरी के काम से बदरवास थाना क्षेत्र के काठी गांव ले गया था, जहां उसके भाई को लापरवाही पूर्वक बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। शुक्रवार की दोपहर सुगर सिंह खंभे से गिरकर घायल हो गया था। ये बात को ठेकेदार सहित राम सिंह ने हमसे छुपा कर रखी थी। शुक्रवार की शाम जब सुगर सिंह के भतीजे ने अपने चाचा को फ़ोन लगाया था, तब राम सिंह ने फ़ोन पर सुगर सिंह के खंभे से गिरकर घायल होने की सूचना दी थी। नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह जाटव जी। खत्म हुए हैं वो आपके? कौन है? छोटा भाई। कैसे क्या करना हुई है इनके साथ? सब काम पे ले गए थे उसको। हाँ, काम पे ले जाने के बाद उसने एक रात और रोक ली। काम पे कौन ले गया था? काम पे ले गया था राम सिंह, छोटू धोबी और मोनू धोबी और शिवराज सिंह यादव। किस काम पे ले गए थे? कमों के काम की क्या गलाई ले गए थे? खम्भों के मतलब लाइट का काम या वैसे खम्भों का? भाई काम की क्या लगे, लाइट की नहीं कही हमसे ना कोई काम, जो कही काम पर चलना है। लगे दिन पहले ले गए थे? एक दिन पहले ले गए तो एक रात उस दिन उधर ही राख लिया। घर पे नहीं आने दिया, काम पसंद नहीं आया तो घर को आ रहे होगा। उसने जबरदस्ती करके उसने रोक लिया। जबरदस्ती रोकने के बाद सुबह शाम को फिर वापस नहीं आया। हमने घर से 8 बजे फोन लगाया, घर से 8 बजे भतीजे ने फोन लगाया कि चाचा आ नहीं है। तब वे बोले कि भाई तेरे चाचा तो बेहोशी है और उसकी लाश ले जाओ। बोले कहाँ आ जाए? बोलो भद्रवास आ जाओ। भद्रवास से हम गए, वहाँ से हमें लाश मिली। लाश को एम्बुलेंस में धर गए छोटू धोबी, राम सिंह और शिवराज सिंह यादव और मोनू धोबी और मैं उसके साथ में एम्बुलेंस बैठ गए। आपको कारण क्या लग रहा है, हत्या या संख्या लग रही है? हमको तो संख्या कि उसने पूरी पूरी संख्या है कि उसने मारा है, चारों ने मिलकर ही मारा है। तो बॉडी पे गिरने के कोई निशान वगैरह? कोई निशान नहीं है। कोई निशान नहीं है। सिर्फ नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का सुभाष सिंह जाटव। कहाँ के रहने वाले? सरजापुर। और ये घटना किस स्थान पर हुई है? घटना हुई गाँव कांटी सनवार। तो मतलब ठेकेदार से पूछे गए, आए हैं वो? अभी नहीं आया, अभी तक कोई ठेकेदार हमारे सामने कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं घटना का। आपको कैसे पता चला, कैसे क्या हुआ? हैं, वो तो हमने श्याम को फोन लगाया तब पता चला, तब इन्हें बोला कि रात को ले जाना, वो तो बेहोश पड़ा है बस। हाँ, तो हम मिलने नहीं आए, वो कोई ठेकेदार मिलने नहीं आया और 2 लोग अभी तक नहीं आए श्याम से। 2 ही आए थे, 2 हमारे गाँव के ही, फिर नहीं आए छोटू और मोनू। इनके साथ में काम कर रहे थे? साथ में काम कर रहे और कोलार तक आए, शिवपुरी तक, और यहाँ से वापिस चले गए। फिर बाद अभी तक देखने के लिए नहीं आए। अच्छा, वो उनसे आपने जो छोटू धोबी नाम बता रहे हैं उनसे आपने पूछा तो वो क्या बता रहे थे आपको? जैसे वे रास्ता में ही रह गए, हम बात की होगी ना? नहीं, बात करने का मौका ही नहीं दिया था उसको। लेके हम तो डॉक्टर साहब ले गए, डॉक्टर को मैं लेके पहुँचे तो पीछे वापस भाग गए, पर हमको मिले नहीं। नहीं मिले, अभी भी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। ये युवक क्या है, ये बिजली एक ठेकेदार है, उनके साथ काम करता था ये। तो कल रात में ये, इनका नाम सुगर सिंह है जो मृतक हैं, सुगर सिंह पुत्र कुमले जाटव, 35 साल उम्र है इनकी, और ये ग्राम सुरजापुर थाना कोलरस के रहने वाले हैं। कल बिजली का कोई काम करते समय वो ठेकेदार ने काम पर लगाया था इसको, तो उसकी बता रहे हैं कि ऊपर बिजली का करंट लगा है और खंभे के से ऊपर से नीचे गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। उसको लेके पर यहाँ आए, वही लोग लेके आए थे, लेके अस्पताल में भर्ती कराया उन्होंने यहाँ पर जिला चिकित्सालय शिवपुरी में, और शायद उसमें से कुछ लोग चले गए हैं, एक शायद अभी है जो जिसको पुलिस ने अपने उसमें रखा है अभी। और सर प्रथम दृष्टि क्या माना जा रहा है? प्रथम रिश्ता तो ये माना जा रहा है ये लोग काम करते थे साथ में उनके ठेकेदार के साथ में,
तो काम के दौरान अब ये करंट कैसे लगा है ये तो जांच का विषय है, क्योंकि क्या है बिजली बंद करके ही काम किया जाता है। अब वो लाइट चालू कहाँ से किसने कर दी, क्या किया है, वो सब जांच का विषय है। सर जब ये काम कर रहे थे तब तो लाइट सर बंद थी प्रॉपर या चालू भी थी? अब इस चालू लाइन में काम कर रहे अभी, ये तो जांच का विषय है। अभी तो भाई परमिट नहीं लिया तो कौन सा था, कार्रवाई होगी। घटना स्थल ये ग्राम कांठी है, ये गुना जिले में पड़ता है। सर मृतक को सिपरी जिला अस्पताल क्यों लाया गया? अब ये जिला गुना में जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि गुना जाना चाहिए था, लेकिन ये साथ में इनके जो काम कर रहे हैं जो ठेकेदार वगैरह हैं जो भी हैं वो उनको वहाँ ले जाते हुए यहाँ चूँकि यहाँ कोलार का रहने वाला है ये व्यक्ति, तो ये जिला शिवपुरी का है इसलिए वो उसको यहाँ लेके आए होंगे, या उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा वो यहाँ लेके आए। बाकी इनको गुना ले जाना चाहिए था कायदे से, तो लेकिन यहाँ ला के रात में भर्ती करके और निकल गए। उसमें से एक व्यक्ति रहा था है तो उसको भी पुलिस के भी गिरफ्त में आए।